हेल्थ इज वेल्थ के इस एपिसोड में आप सबको वेलकम करता हूँ। लोग जो है अमूमन ये कहते हैं कि वर्कआउट कर रहे हैं अपनी कैलोरीज को बर्न करने के लिए, अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है, हमारी जो बॉडी है वो शेप में नहीं आ रही। हमेशा अपनी बॉडी असेसमेंट सबसे पहले जरूर करें। मेटाबॉलिज्म का बहुत ज्यादा इसमें अमल दखल है। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक नहीं होती। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारे 99% लोगों में विल पावर नहीं है। शादी के बाद वेट है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चों में कम वक्फा, अभी बॉडी अपनी जगह वापस नहीं आई, शेप अप नहीं हुई, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा, ये कम जो वक्फा है उसमें वेट बढ़ता 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 चला जाता है। फूड आइटम्स में मसला नहीं है, हमारे कुकिंग पैटर्न में मसला है। जिस तेजी से लोगों को अवेयरनेस आ रही है, इसी तेजी से फास्ट फूड का रुझान भी बढ़ रहा है। हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिंस, मिनरल्स एंड वाटर, इनकी मुनासिब मिकदार जिंदगी की हर स्टेज पे आपको चाहिए।